नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कच्चे नारियल की बर्फ़ी बनाएंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, फटाफट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, इसके लिए मैंने दो कच्चे नारियल लिए हैं और उसको आप तोड़ करके छील लीजिए। और इसका जो काला वाला छिलका होता है, इसे भी हमें हटाना है। तो आप चाकू एक पिलर की हेल्प से इसको छील लीजिए। बहुत आसानी से छिल जाता है ये। और इसको अच्छे से धो लीजिए ताकि कोई काला पार्ट उसमें ना रहे। तो देखिए, उसके बाद इस तरह से आप बारीक बारीक पीसेस कर लीजिए, या आप इसको कस भी सकते हैं, पर बारीक पीस कर लीजिए, यह थोड़ा आसान होता है। उसके बाद देखिए, मिक्सर ग्राइंडर में हम इसे डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके आप इसे पीसें। तो इसे अच्छे से हमें पाउडर बनाना है, बहुत आसानी से पीस जाता है। ये देखिए, इस तरह का पाउडर हमें बनाना है इसका। तो इस तरह से हम सारे नारियल को पीस लेंगे और ये लगभग दो कटोरी नारियल बन जाएगा। तो देखिए, दो कटोरी बुरादा निकल आया है नारियल का। उसके लिए मैंने एक कटोरी चीनी ली है, एक कटोरी से थोड़ी कम, और ये आधा कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया है। अगर आप व्रत में मिल्क पाउडर नहीं खाते हैं तो आप नहीं डालें, उसके बिना भी बहुत अच्छी बनेगी। और इसमें 3-4 चम्मच हम गर्म दूध डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाकर एक पेस्ट बना लेंगे। मिल्क पाउडर से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, थोड़ा क्रीमी बनेगा और खोए का भी ये बैलेंस कर देगा, खोए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। और इसमें आप थोड़ी सी दूध की मलाई डाल दीजिए, बिल्कुल फ्रेश घर के दूध की मलाई, उससे भी ये बहुत क्रीमी और बहुत ही टेस्टी बनेगी बर्फ़ी। और इसको फिर से हम थोड़ा सा मिलाकर रख देंगे। तो आइए बर्फ़ी बनाते हैं। तो एक कढ़ाई में देखिए, मैंने सिर्फ 1 चम्मच घी डाला है और जो नारियल का बुरादा तैयार किया था, दोनों कटोरी वो डाल देंगे हम। और मीडियम फ्लेम हमें यहाँ रखनी है और इसे लगातार चलाते हुए आप सिर्फ 5 मिनट टाइम देकर आप इसे भून लीजिए, ताकि थोड़ी सी इसका मॉइस्चर निकल जाए और नारियल भुनने की खुशबू आने लग जाएगी। तो 5 से 6 मिनट बस आपको इतना ही भुनना है इसे। फ्लेम आपको पूरी बर्फ़ी में मीडियम ही रखनी है। अब देखिए, चीनी डाल देंगे हम और जो मिल्क पाउडर का हमने पेस्ट बनाया था और मलाई का, वो भी डाल देंगे। कि थोड़ा सा दूध डाला है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाएंगे और सिर्फ 10 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से इसका पूरा मॉइस्चर सूख जाएगा और बर्फ़ी के लिए ये तैयार हो जाएगी। तो आप इस तरह से इसे चलाते रहें ताकि नीचे लगे नहीं तो कलर चेंज हो जाएगा इसका। तो देखिए, बिल्कुल गाढ़ी होने लग गई है ये। तो जब जमने वाली कंसिस्टेंसी आ जाए इसकी, इस तरह से इकट्ठा होने लगे, तब आप गैस बंद कर दीजिए। और अब ये जमाने के लिए रेडी हो गई है सिर्फ 10 मिनट में। तो देखिए, एक ट्रे में मैंने घी से ग्रीस कर लिया था उसे, और इस तरह से एक स्पैचुला की हेल्प से आप इसको सेट कर दीजिए। आप चाहें तो इलायची डाल सकते हैं, पर ये नारियल का ही टेस्ट इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने सिर्फ नारियल डाला है, कोई इलायची नहीं डाली है इसमें। और इस तरह से देखिए, आप सेट कर दीजिए और इसे हम बाहर ही 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ेंगे। फ्रिज में थोड़ी टाइट हो जाएगी, तो बाहर ही आप इसे ठंडा होने दें। अब देखिए, 1 से 1.5 घंटे में ठंडी हो गई और मैंने इसमें इस तरह से कट लगा लिए हैं। तो इस तरह आप एक शार्प चाकू से इसमें कट लगा लीजिए। बहुत ही टेस्टी बनी है और बिल्कुल अच्छी जमी है। देखिए, ढीली भी नहीं है बिल्कुल भी, ना बहुत टाइट है। तो इस तरह से आप देखिए ये बर्फ़ी बनाइए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।